हाँ जी पैसे हैं उसके भी, हमें ड्रेस इसलिए हमने कहा था उनसे क्योंकि देखिए ड्रेस के माध्यम से ये होता है कि हम किसी को यदि समझा रहे हैं तो वो हमारी बात को समझ पाए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ जितनी कठिनाई से हम वहाँ ड्यूटी करते हैं, हम दुनिया को सुरक्षा वहाँ पर दे रहे हैं मगर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए बस यही है कि आप ड्यूटी टाइम पर दीजिए, आपको ड्यूटी के समय पर यदि कोई घटना घट जाती है तो आपको ही उसकी जवाबदेही करनी है। क्या ऐसा होना चाहिए कि हम इतनी सख्त ड्यूटी देने के बाद हमें जवाब, हमारे लिए यदि हमारी कोई हमारे साथ कोई घटना होती है तो हमारे लिए क्या सुविधा है? हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें सैलरी 3 महीने में आ रही है, कोई 4 महीने में मिल रही है, कोई ये नहीं है कि फिक्स टाइम पर मिल जा रही है, तो हमारे लिए कोई खास सुविधा नहीं है। अच्छा आप अपना नाम कहाँ से कहाँ काम करते हैं? उत्तराखंड में। आप आगे आ जाइए थोड़ा, गेट नंबर 13 में। अच्छा ये बता रहे हैं कि 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, हाँ, इस विषय में कुछ बता सकते हैं आप? 4 महीने हो गए तनख्वाह वगैरह कुछ भी नहीं है। कितना देते हैं कॉन्ट्रैक्टर साहब? हमें देते हैं 3000। 3000 रुपए? 3000 में भी काम करते हैं, 3 साल हो गए हमें काम करते। यानी कि 100 रुपए रोज? हाँ 100 रुपए। छुट्टी अगर कोई छुट्टी नहीं है, जो छुट्टी लेते भी है उसकी पेमेंट करती है, सिर्फ 2 छुट्टियाँ हमारी, ज्यादा नहीं है बॉस में छुट्टी में। हादसा हो जाए तो आप पे टिकरा पड़ेगा, हमारे ऊपर ही पड़ेगा सारा। और ये भी हमारे ऊपर से भी आदेश आ जाता है अपने गेट पे रहो, जैसे भी रहो, चाहे बुखार हो सारा। हमें रोजगार किया जा रहा है, ये कोई तरीका नहीं है रेल का। वो तरीका देखो रेल का ये करना चाहिए। आप बताइए आपका क्या अनुभव है जब आप काम करती हैं, तो क्या चुनौतियाँ आपको सामना करना पड़ता है? अगर हम लोग गेट पर रहेंगे तब तो ठीक है, और अधिकारी से कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे, और अगर हम गेट पे नहीं मिलते हैं तो ठेके हम बोलेंगे अधिकारी से हम पेमेंट नहीं मिला है, तो बोलेंगे कि क्या कहते हैं अपने ठेकेदार से बात करो, और अगर गेट पे नहीं मिलेंगे तो बोलेंगे अपसेंट लगवा देते हैं हम लोग। अच्छा तो हमारा अपसेंट दिखाते हमारा पेमेंट काट देता है, अधिकारी काटते हैं हमारी पेमेंट। आप लोग गाड़ी जो रोकते हैं तो कुछ उपकरण उपकरण आप लिया है? और दोनों तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही जा रही है वो रुकते हैं हाथ से? नहीं रुकते, सिग्नल से तो रुकते नहीं है, हाथ से कैसे रुक रही है? क्या बताया तो क्या है ये बताना, ये बताना ये चाह रहे थे कि संविधा के तौर पर, संविधा के तौर पे हम लोग को जो रखा गया है वो पेपर में जो ऐड निकला था वही ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये एक एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोगों को रेलवे रेलवे क्या पेमेंट कर रही है, रेलवे क्या पेमेंट कर रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमने एक बार ऐड देखा था उसमें ये लिखा था कि लगभग 12,500 के करीब में रेलवे पेमेंट करती है, 12,500 वो करती है कॉन्ट्रेक्टर को, लेकिन इसमें हम लोगों को मिलता है 3,000 से 3,500-4,000 रुपए। तो ये पैसा कहाँ जाते हैं? हम पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हम पूछना चाहते हैं भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से, हम पूछना चाहते हैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन अश्वनी लोहानी जी से कि सर आप इस पे CBI इंक्वायरी कराए और इसमें जांच कराए, सर इसमें जांच कराए कि ये पैसा जाता कहाँ है। पीयूष गोयल जी कहते हैं कि कॉन्ट्रेक्टर में जो भी चलता है तो इसमें कोई पैसा मतलब इधर उधर का एक भी पैसा नहीं दिया जाता, एक चाय भी अधिकारी लोग नहीं पीते हैं। लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ कि सर आप इसमें CBI जांच कराएं, अगर हम गलत हैं तो भारत के सभी गेटमित 16 जोन के गेटमित को आप फांसी दे दें, नहीं तो फिर हम अगर सही हैं तो हमारे सारे गेटमित को फांसी करेंगे। मतलब ये है कि 12,500 रुपया आप लोगों की लगभग जो जानकारी है उसके हिसाब से मिलता है जी, और आप लोगों को ठेकेदार 3,000, 3,500, 4,000 देता है, तो ये तो बहुत जाती है। और ऊपर से आपको जी बिल्कुल प्रोविडेंट फंड नहीं है, पेनल्टी भी अगर कोई अब्सेंट अगर हो जाता है तो पेनल्टी के तौर पे आपको मतलब 10% वो 10% उसमें से 10% काटते हैं जो उनको मिलते हैं, मेरे तो मिलते हैं उसमें से 10% नहीं, मेरे तो 3,000 रुपए मिलते हैं, 3,000 10% मतलब 300, लेकिन 300 नहीं वो 1,000 या 1,250 के हिसाब से वो काटते हैं। ये पेपर 10% करने के लिए मांगा था, ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये पेपर में लिखा हुआ, ये पेपर आप एंट्री करा लीजिए आप।
तो ये आप लोगों से बॉन्ड साइन कराया गया है? बॉन्ड साइन करके नहीं दिए। अच्छा, ये मांग रहा था, ये प्रयास कर रहा था, इसे नीचे एफआईआर लिखा हुआ है। हम लोग कैसे करते भाई, लिखा है एवरी ईयर द पेमेंट विल इंक्रीज बाय 1000, तो ऐसा होता है? 1000 नहीं 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 होता, नहीं जो पत्र लिखा हुआ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अभी ये नया प्रावधान निकाला कि जितने दिन से ठेकेदार काम करेंगे, वो काम करेगा तो फिर उसका वैलिडिटी जितने दिन है उतने दिन आदमी रहेगा, उसके पास निकाल दिया जाएगा। अगर आप एक छुट्टी लेते हैं तो 5 दिन की तनख्वाह। हां बिल्कुल सारा चीज आप देख रहे हो, डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स को आप एंट्री कराओ। ये देखो मान जगदम्बा कंस्ट्रक्शन बिहार की कंपनी है, ये कटिहार का ही है। उसके बाद भाई इसको आप एंट्री कराओ और इसको देखो, ये जो है ये कानून हमारे